CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बचा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुना, सुना। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया। कहो, कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। जानता हूं, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वो जो पेड़ तुम देखते हो ना, वो ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों की रोएं हैं। वे रोएं बड़े निर्दयी होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो, वे इतने बड़े यों ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तुम्हें भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। हाँ? मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा।
मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़े पड़े रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हथजन हाइड्रोजन और ओषजन ऑक्सीजन नामक दो गैसे सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्य मंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्य मंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अपने भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। ये पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा क्या हुआ कि उस
ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ, वो सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा? परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हद्रजन और ओषजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वो अब अत्यंत छोटा हो गया था। वो पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का? कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाएं उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई
बस समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेज हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब क्या हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वो इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी।